हम लोग दो तरीके से स्क्वायर रूट किसी को भी निकाल सकते हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या है कि अगर हम लोग जैसे 20, 36 ले लिए है ना, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम को बोलते हैं। मतलब ये इसको एलसीएम से लेंगे तो यहाँ पर 1 और 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, है ना, ऐसा। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यही चीज हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर निकालेंगे, अगर इससे हम लोग रूट निकालते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पेयरिंग करेंगे, पीछे तरफ से पेयरिंग किया जाता है, इस साइड से पेयरिंग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसका नंबर कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उस नंबर को उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और या तो ये नंबर लेकर के आना है या तो इससे छोटा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल उतना ही बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। तो हम लोग देखेंगे 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, और 6 6 जा 36 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और ये कट गया, कैंसिल, माइनस किया तो कैंसिल हो गया। तो ये जो मेरा आया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। मतलब क्या है, ये 36 का रूट कितना होगा, 6। ये हो गया डिवीजन मेथड और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इतना बड़ा नंबर दिया गया है और इस नंबर का हम लोग डिवीजन मेथड से, मतलब इस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, क्लियर। तो अभी हम लोग, जैसा कि हम यहां पर बताए थे कि पहले पेयरिंग किया जाता है, पेयरिंग कर लेते हैं, जैसे दो दो नंबर का पेयरिंग कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग को डिवीजन करना है, ठीक है। तो डिवीजन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो पहला दो अक्षर है ना 20, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम टेबल पढ़ेंगे उतना ही बार। जैसे हम 1 लेंगे तो 1 1 जा 1, 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 लेंगे 3 3 जा 9, वैसे हम लोग कौन सा नंबर लेंगे जो सिर्फ 20 के नीचे आएगा, मतलब उसका, उस नंबर का टेबल उतना ही बार पढ़ेंगे और 20 से कम भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 4 4 जा 4 4 जा 16, जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां पर लिखना होगा और जितना यहां लिखेंगे उतना ही इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी यहां पर 4 4 जा 16 हो गया, 20 में से 16 गया, कितना बचा, 4, ठीक है। अब ये जो 4 लिखे हैं उतना ही यहां पर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर 4 बचा है, ऊपर से एक साथ में ये जो पेयरिंग किए हैं, ये एक साथ में ये दोनों नंबर एक साथ उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65। अब ये हो गया, अगर 8 के बगल में यहाँ पर 2 लिखते हैं, अगर हम 8 के बगल में 2 लिखते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो 164 हमको कितना लाना है, 465 से छोटा नंबर लाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने यहाँ पर कितना लिखेंगे कि इससे जस्ट छोटा आएगा, जस्ट छोटा, ठीक है, जैसे डिवीजन में करते हैं ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर एक बार 5 लिख करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 और 8 5 जा 40 और 2 425, ठीक है। अब अगर हम लोग 80 के बगल में 6 लिख देते तो ये 86 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 6 कैरी 3, 8 6 48 और 3 51। तो यहाँ पर देख रहे हैं 516 जो है वो इससे बड़ा हो जा रहा है और 4 25 ये इससे छोटा हो जा रहा है, तो जस्ट इससे छोटा नंबर है ये, इसलिए हम लोग 425 लिखेंगे और कितने टाइम्स में जा रहा है, 5 बार में। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 5 5 और यहाँ पर भी लिखेंगे 5, ठीक है। कितने बार हो जाएगा यहाँ पर, 425 होगा ये, 425, क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 से 0 गया, 5 से 5 गया 0, 6 से 2 गया 4 और 4 से 4 गया 0, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो नीचे उतरेगा, यहाँ आ जाएगा 70, क्लियर। अभी कितना हो गया, 4070। अभी हम लोग देख रहे हैं ये 4000 में है और ये जो 5 लिखे हैं ना, जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही इसमें ऐड भी हो जाता है, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 8 और 1 9, क्लियर।
अब यहाँ 90 हो गया है, इसके बगल में यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर भी लिखना होगा, और जितना नंबर लिखेंगे उतना से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, 5 से कर रहे थे, फिर 6 से कर रहे ना, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो अब इसके जगह में हम लोग क्या जाएगा, 90, अभी यहाँ क्या है, 4000 है, 4000। तो ये 4000 को नहीं देखेंगे, ये 40 को देखेंगे, और ये 90 के बाद यहाँ पर हमको नंबर लिखना है, तो हमको ये 9 देख लेंगे। 9 के टेबल में 40 से कम कितनी टाइम्स में आता है, 9 4 36 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 4 पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा, तो इंटू भी 4 से ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 0 जा 0 और 1 1, 9 4 36, ठीक है। 1600 जो है ये 4000 से जस्ट बिलो नंबर है, बट हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं क्या कि इससे भी बड़ा कोई नंबर है क्या जो 4000 से नीचे हो। तो हम लोग यहाँ पर एक बार 4 के जगह 5 पुट करके देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 905 × 5, ठीक है, जितना लिखते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 = 25 का कैरी 5 कैरी 2, 5 0 = 0 और 2 2, 9 5 = 45। तो अब देख रहे हैं ये क्या है, 4500 आया जा रहा है, यहाँ पर 4000 है, तो हमको इससे जस्ट छोटा नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा, तो इसके बगल में लिखेंगे 4, यहाँ जो लिखते हैं वही लिखेंगे यहाँ पर 4, और जितना वहाँ लिखते हैं उतना यहाँ पर ऐड भी करना पड़ता है, और इससे जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा क्या आएगा, 3616, क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 है, इधर 1 जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 0 है, इधर से कैरी 1 लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, ठीक है। अब ये नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर फिर से ये नीचे यहाँ पर उतरेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखे थे उसको ऐड करना है, 4 + 4 8 हो गया, 0 और ये 9। अब इसके बगल में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे वो फिर से हम लोग ऐसे सजेशन लेकर के चेक करेंगे, तो देखते हैं 9008 के बाद में यहाँ पर कुछ हो सकता है, 80 कुछ होगा, 81 82 85 86 कुछ भी होगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि कितने बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9000 में है, तो यहाँ पर हम लोग 1000 में देखेंगे 45000 है, क्लियर। तो 9 का टेबल 45 कितनी बार में आएगा, 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 9 5 = 45 होता है, क्लियर। तो अगर हम लोग इसको 5 यहाँ पर लिखते हैं तो कितना होगा देखते हैं, 9085, ठीक है, 908 बाद में यहाँ पर 5 है। अब इसको इंटू जितना लिखते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 5 = 25 का 5 कैरी 2, 8 5 = 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, ठीक है, और 5 0 = 0 और 4 4, 9 5 = 45, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, 9 4 5 4 2 5 4 5 4 2 5, पूरा एग्जैक्ट नंबर आ जा रहा है, मतलब ये पूरा पूरा पूरी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5, क्लियर, और यहाँ पर भी वही नंबर लिखेंगे 5, ठीक है। और अब ये तो पूरा पूरी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा कंप्लीट नंबर कट जा रहा है, तो इसके आगे और नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, और हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, √2065702 5 √over = 4545, क्लियर आंसर। थैंक यू।